हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 28 नवंबर। तो 28 नवंबर के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @श्री एजुकेशन लिखेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहां से आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 27 नवंबर के करंट अफेयर्स पढ़े थे तो लास्ट मैंने आपको एक टेस्ट दिया था, तो उस टेस्ट का सबसे पहले मैं आपको आंसर बताऊंगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 28 नवंबर के करंट अफेयर्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं और हमारे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जो रेगुलर नोटिफिकेशंस हैं, जो आने वाले जितने भी लेक्चर आपको रेगुलरली मिलते रहें। और हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह 5 बजे ही करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और ये जो करंट अफेयर है वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपका मैक्सिमम स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी मैं कवर कर रही हूँ। तो कल का आपका टेस्ट था कि मैरी कॉम ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है। तो मैरी कॉम ने हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका ए, और मैंने आपके आंसर चेक किए थे तो कई स्टूडेंट ने आंसर सही दिए थे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे 28 नवंबर के करंट अफेयर्स। और आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज भी लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का सबसे पहला करंट अफेयर है आपका कि भारतीय अंग दान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय अंग दान दिवस हर साल 27 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस साल भी 27 नवंबर को ये दिन सेलिब्रेट किए गए हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये बता देती हूँ कि 27 नवंबर 2018 को, यानी कि भारतीय अंग दान दिवस वाले दिन, एक कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये कार्यक्रम कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये कार्यक्रम दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये कार्यक्रम नोटो ने ऑर्गेनाइज किया था। नोटो की फुल फॉर्म क्या है, तो नोटो की फुल फॉर्म है नेशनल ऑर्गेनिक एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में एक बार इसकी फुल फॉर्म रिपीट कर देती हूँ, जो हिंदी में नोट करना चाहते हैं वो हिंदी में नोट कर लें। इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अंग और प्रत्यारोपण संगठन। और देखिए, ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली में, ये इसका 9वां संस्करण था। और ये कार्यक्रम में हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है उसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि जो महाराष्ट्र है उसने अंगदान के लिए बहुत ज्यादा जागरूकता बढ़ाई है, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। और जो हमारा तमिलनाडु राज्य है उसे इस कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य घोषित किया गया। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये नोट करनी है कि जो डॉक्टर शैलेश पुंटमेकर थे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इन्होंने पहला यूरिन ट्रांसप्लांट किया था, इसलिए इन्हें इस कार्यक्रम में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर हैं उन्हें भी अवार्ड दिया गया है, और इन्हें ये अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि जो डॉक्टर सुब्रमण्यम, उनके बारे में आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने पहला हाथ प्रत्यारोपण किया था। और उसके बाद आपको पता चाहिए कि ये कार्यक्रम क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये दिन क्यों मनाया जाता है। तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि उन लोगों को जागरूक किया जा सके जो कि अंगदान के खिलाफ है, तो इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके और अंगदान को प्रोत्साहित किया जा सके। तो ये तो इम्पोर्टेंट बातें होगी आपकी भारतीय अंगदान दिवस के बारे में। और जो ऑप्शन लिखे गए हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपका 26 नवंबर, वैसे कल भी आप लोगों को बताया गया था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए, 26 नवंबर को हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस सेलिब्रेट किया गया, कल ही पढ़ाया था हमने। और उसके बाद आपका 21 नवंबर ऑप्शन है, तो 21 नवंबर को हाल ही में विश्व मत्स्य पालन दिवस सेलिब्रेट किया गया। और उसके बाद 25 नवंबर आपका ऑप्शन है, तो 25 नवंबर को एनसीसी डे सेलिब्रेट किया गया, कल हमने पढ़ा था। तो ये इम्पोर्टेंट बातें आपको होगी इस क्वेश्चन के बारे में, होप आपने नोट कर ली होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है आज का आपका कि 2019 लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो उस देश का नाम है मोनाको। जब 2019 में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे तो उसकी मेजबानी मोनाको करेगा। और देखिए, ये जो अवार्ड है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, इसे खेल का ऑस्कर भी कहा जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है पहला पॉइंट। तो और ये जो लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है इसके मेंबर भी हैं, तो जो लॉरियंस अकेडमी के मेंबर हैं उनके नाम है कपिल देव, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर, जो कि हमारे भारत की तरफ से इसमें शामिल हैं। और उसके बाद आपको पता चाहिए कि 2018 में जब ये अवार्ड दिए गए थे तो ये अवार्ड किन्हीं किन्हीं मिले थे। तो 2018 में रोजर फेडरर, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे कि रोजर फेडरर को 2018 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था लॉरियंस के द्वारा। और जो सेरेना विलियम्स है उन्हें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था लॉरियंस में।
अब क्योंकि इस अवार्ड्स की मेजबानी 2019 में मोनाको करेगा, तो मोनाको के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर तो देखिए मोनाको का नाम पहली बार आया, तो इसको इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो मार्डरी है छोटा सा ही है, यहाँ पर है मोनाको और ये है आपका फ्रांस और ये है इटली, इसके बीच में है मोनाको। और मोनाको की कैपिटल मोनाको ही है और मोनाको की करेंसी यूरो है और मोनाको के जो प्रिंस है उनका नाम है एल्बर्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर विजेता बर्नार्डो बोर्टोलुची का निधन हो गया और आपको बताना है कि वो इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित थे। तो जो बर्नार्डो बोर्टोलुची थे ये एक निर्देशक थे, यानी कि ये एक डायरेक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, और ये इटली के एक डायरेक्टर थे, ये भी आपको पता चाहिए। और इनकी जो डेथ हुई है 77 ईयर की एज में हुई है। और उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि ये ऑस्कर विजेता थे, तो इन्हें ये ऑस्कर अवार्ड क्यों दिया गया था, तो इनकी एक फिल्म थी जिसका नाम है द लास्ट एम्पायर, जिसके लिए बर्नार्डो बोर्टोलुची को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बातें होगी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट करंट अफेयर है आज का कि नाइट ऑफ द लीजर ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो नाइट ऑफ द लीजर ऑफ ऑनर पुरस्कार हाल ही में अजीम प्रेम जी को प्रोवाइड कराया गया, और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है। तो देखिए अजीम प्रेम जी को ये अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि इन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में कितना ज्यादा अपना योगदान दिया है, तो इसलिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब ये जो अवार्ड है नाइट ऑफ द लीजर ऑफ द ऑनर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो अवार्ड है ये फ्रांसिस नागरिकों को दिए जाने वाला अवार्ड है, बहुत बड़ा अवार्ड है ये। और ये अवार्ड अजीम प्रेम जी को कौन प्रोवाइड करवाएंगे, तो हमारे भारत में जो फ्रांस के राजदूत हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडे, वो अजीम प्रेम जी को ये अवार्ड देंगे। अजीम प्रेम जी कौन है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये विप्रो कंपनी की ओनर है और विप्रो कंपनी के चेयरमैन भी हैं अजीम प्रेम जी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट्सएप बिजनेस हेड का नाम आपको बताना है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो उनका नाम है नीरज अरोड़ा। यहाँ पर गलती से चोपड़ा लिखा गया, यहाँ पर अरोड़ा आना है। तो हाल ही में नीरज अरोड़ा ने व्हाट्सएप के बिजनेस हेड के पद से इस्तीफा दे दिया है, और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे ये है नीरज अरोड़ा। अब ये तो नीरज अरोड़ा के बारे में आप लोगों को पता लगे, इससे पहले भी हमने एक व्हाट्सएप के रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ा हुआ है जो कि आपको याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो तो कि अभिजीत बोस को हाल ही में व्हाट्सएप इंडिया का हेड बनाया गया है, तो होप आपको वो करंट अफेयर भी याद होगा। तो व्हाट्सएप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए फिर तो व्हाट्सएप के कभी कभी आपको फाउंडर का नाम पूछ लिया जाता है, तो व्हाट्सएप के जो फाउंडर का नाम है ब्रायन एव्टन और जैन मु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है सुनील अरोड़ा। हाल ही में सुनील अरोड़ा को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है सुनील अरोड़ा। और इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की गई है, तो हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम आप लोगों को पता है, क्या नाम है उनका, रामनाथ कोविंद जी। तो हाल ही में हमारे भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने सुनील अरोड़ा की नियुक्ति की है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में। अब यहाँ पर आपको सुनील अरोड़ा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चाहिए। देखिए जो सुनील अरोड़ा है ये 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर थे राजस्थान कैंटर के, और ये प्रेजेंट में निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। और इनकी नियुक्ति कब होगी, तो इनकी जो नियुक्ति है वो 2 दिसंबर 2019 को होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $200 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो हाल ही में हमारे भारत ने एडीबी बैंक के साथ यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $200 मिलियन के लोन पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारत ने एडीबी से ये लोन क्यों लिया है, तो भारत ने हमारा जो राज्य है बिहार उसमें राज्य मार्गों की मरम्मत के लिए बिहार के डेवलपमेंट के लिए ये लोन लिया है एडीबी से। अब जब ये लोन लिया गया था तो कोई हस्ताक्षर वगैरह हुआ था, तो उस हस्ताक्षर पर साइन किसने किए, तो हमारे जो वित्त मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है समीर कुमार खरे, उन्होंने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। अब एडीबी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई है, तो 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई है। और एडीबी के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस के अंदर मैंडल युगन में है। और एडीबी के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, तो उनका नाम है तकीको नकाओ। और कितने देश एडीबी के मेंबर है, तो 67 कंट्रीज इसके मेंबर है। अब क्योंकि ये लोन बिहार के लिए लिया गया है, तो बिहार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो मार्ग बिहार है
बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, बिहार के गवर्नर हैं लालजी टंडन, बिहार के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा की सीटें हैं 16, विधानसभा की सीटें हैं 243। बिहार का फोक डांस आपको पता चाहिए फिर तो, और बिहार का फोक डांस है जटा जटिन, और बिहार का नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लोक साइकिल शेयरिंग परियोजना शुरू की है? तो उनका नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक कौन है? तो ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने हाल ही में लोक साइकिल शेयरिंग परियोजना शुरू की है, और इसी के साथ साथ नवीन पटनायक जी ने मो साइकिल ऐप भी लॉन्च की है। अब ये साइकिल शेयरिंग परियोजना शुरू की गई है, उसके बाद मो साइकिल ऐप भी लॉन्च की गई है, ये क्यों लॉन्च की जा रही है? तो ये इसलिए लॉन्च की जा रही है, साइकिल को इतना ज्यादा बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है ताकि ट्रैफिक को कम किया जा सके। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ट्रैफिक कम होगा तो पोल्यूशन कम होगा, तो इसलिए इस साइकिल शेयरिंग परियोजना को शुरू किया गया है। अब नवीन पटनायक के बारे में आपको बता दिया मैंने कि ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उड़ीसा के बारे में भी एक बार जान लीजिए। यहाँ पर जो मार्डरी है उड़ीसा है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बताया गया नवीन पटनायक, गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल, लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की सीटें 10, विधानसभा की सीटें 147, और उड़ीसा का जो फोक डांस है वो है घूमरा छऊ और उड़ीसी। इंपॉर्टेंट आपको उड़ीसी याद रखना है। और उसके बाद नेशनल पार्क है उड़ीसा का भितरकनिका नेशनल पार्क। आज का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल समारोह जिसका नाम है होसला 2018, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इस समारोह का जो उद्घाटन है ये नई दिल्ली में किया गया, और इस समारोह का उद्घाटन किसने किया है उनका नाम भी आपको बताना चाहिए। उनका नाम है राकेश श्रीवास्तव, जिन्होंने इस समारोह का उद्घाटन किया है। और ये समारोह किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये समारोह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जैसे कहा कि ये समारोह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो उनकी मंत्री का नाम भी आप लोगों को कई बार बताया हुआ है, तो होप आपको याद होगा। अगर नहीं याद हो तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री है उनका नाम है मेनका गांधी। अगर 2018 में ये समारोह ऑर्गेनाइज किया गया तो इसका थीम भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसका थीम है बाल सुरक्षा। थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, कई बार मैंने आपको बताया हुआ है। और देखिए ये जो समारोह ऑर्गेनाइज किया जाएगा इसमें होगा क्या, ये आपको आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, वैसे आपको नोट नहीं करना है। तो इस कार्यक्रम में ये होगा कि जो बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग गेम कंपटीशन ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पर्यटक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया? तो उस राज्य का नाम है नागालैंड। हाल ही में नागालैंड में पर्यटक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है, और ये ऐप क्यों लॉन्च किया गया है और किसने लॉन्च किया है? तो ये ऐप इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि हमारे जो टूरिस्ट आते हैं भारत में घूमने के लिए उनकी सेफ्टी हो सके, उनकी सुरक्षा हो सके, तो इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है रेफ्यू रियो, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए क्या है कि जो नागालैंड है ये नॉर्थ ईस्ट से दूसरा राज्य है जिसने इस ऐप को लॉन्च किया है। पहला राज्य कौन सा है नॉर्थ ईस्ट से जिसने इस ऐप को लॉन्च किया? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से भी रिलेटेड मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया था जब ये आया था। तो अब नागालैंड के बारे में फिर तो नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो मार्डे नागालैंड है, कैपिटल इसकी कोहिमा है, चीफ मिनिस्टर आप लोगों को पता लगे नेफ्यूरियो, और गवर्नर है पद्मनाभन आचार्य, और नागालैंड की लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की सीटें 1, और विधानसभा की सीट है 60, और नागालैंड का फोक डांस है छांगलो, और नागालैंड का नेशनल पार्क है नटांगकी नेशनल पार्क। आज का अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में संशोधन करने के लिए किस देश के साथ एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में हमारे भारत ने चीन के साथ एक हस्ताक्षर किया है प्रोटोकॉल पर, और यह हस्ताक्षर क्यों किया गया है? ताकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, ताकि डबल टैक्सेशन सिस्टम को अवॉइड किया जा सके, और जितना भी टैक्स इवेशन होता है उसे भी खत्म किया जा सके, यानी कि कितनी जितनी भी कर की चोरी होती है और जितनी बार भी दोहरा कर लगता है उसे खत्म किया जा सके, इसलिए इसे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता चाइना के साथ किया गया है, तो चाइना के बारे में भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो मार्ग है चाइना यानी कि चीन, चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी, चीन के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। आखिरी क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस शहर में हॉकी विश्व कप 2018 का उद्घाटन किया गया? तो उस शहर का नाम है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में हाल ही में हॉकी विश्व कप 2018 का उद्घाटन किया गया है। और ये हॉकी विश्व कप 2018 ये कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ये जो टूर्नामेंट है हॉकी विश्व कप 2018 ये 29 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो भुवनेश्वर के अंदर कौन से स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो भुवनेश्वर के अंदर कलिंगा स्टेडियम में से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। भुवनेश्वर
उड़ीसा में है, तो उड़ीसा के बारे में आपको पता होना चाहिए था। तो इससे पहले मैंने आपको उड़ीसा के बारे में बता दिया, तो फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं, आपने वहां से नोट कर ही लिया होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके 28 नवंबर के करंट अफेयर्स। और जैसे स्टार्टिंग मैंने आपको कहा था कि लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, तो आज का आपका क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो आप लोगों को पता ही होगा, इसका आंसर आपको दे देना है यहाँ पर। और जितनी भी डिटेल मैंने आपको साथ में बताई थी संविधान के बारे में, इम्पोर्टेंट थी वो सब, वो भी बतानी है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, वो तो आप लोगों को पता ही होगी, कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 29 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।